हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम देखेंगे क्लास प्लस वन का टॉपिक डायमेंशनल फार्मूलेस, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे बनाया जा सकता है। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखना है, हम याद करते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताऊंगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, इजीली, बहुत इजी है। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना मतलब गारंटी ले सकता हूँ कि आपको इजीली किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला खुद से बनाना या लिखना आ जाएगा। ठीक है, आपको डायमेंशनल फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब देखो, अगर आप किसी शॉप पे जाएं और आपको 5 किलो चावल खरीदने हैं, आप दुकान में जाते हैं और उसको मतलब दुकानदार को बोलते हैं कि मेरे को चावल दे दो। वो पूछता है कितने, फिर आपने आंसर दिया कि 5। आपने ये नहीं बोला कि केजी, केजी, ग्राम या कुछ भी। ठीक है, आपने बोला 5, तो अब देने को तो वो 5 केजी भी दे सकता है या 5 ग्राम भी दे सकता है या फिर 5 चावल के दाने भी दे सकता है। ठीक है, मतलब इससे क्लियर नहीं होता कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए चावल की। क्लियर है? तो जब मैं बोलूँगा 5 केजी तो दुकानदार को समझ में आ जाएगा कि इसको कितने चावल देने हैं। ठीक है, क्योंकि 5 एक नंबर है और केजी से हमें पता लगता है कि कितना अमाउंट जो है हमें शॉपकीपर ने देना है। ठीक है, तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी सिंपली ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। राइट, अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट पे। व्हाट इज यूनिट? यूनिट वो टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। देखो, ऊपर मैंने लिखा है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे केजी हुआ, किलोमीटर पर सेकंड हुआ, किलोमीटर पर आवर हुआ, मीटर पर सेकंड हुआ। ठीक है, अब देखो, यूनिट क्या होती है जो हम लगाते हैं ना, मीटर पर सेकंड या केजी, ठीक है, या मिली सेकंड, है ना? तो यानी ऐसे टूल्स जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप सकते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिट। इसका 3 डेफिनेशन है। सबसे पहले देखिए, द टूल बाई यूजिंग विच वी कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटी इफेक्टिवली, यानी एक ऐसा टूल जिसके द्वारा हम फिजिकल क्वांटिटीज को काफ़ी अच्छे से मेजर कर सकते हैं कि कितनी। राइट, सेकेंड है, यूनिट आर स्टैंडर्ड्स और टूल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट नीड क्लियर डेफिनेशन टू बी यूजफुल, यानी एक ऐसे टूल्स है जिसके जरिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से मेजर कर सकते हैं, यानी वो 5 लीटर होगी या 5 किलोमीटर होगा या फिर 5 केजी होगा। राइट, और एक ये है, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ यूनिट विच आर स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब मेजर करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसकी, जिसकी मतलब कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे 5 केजी है, आप पूरे इंडिया, तो क्या पूरे दुनिया में 5 केजी को आप यूज कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 5 केजी। ठीक है, मतलब सब जगह पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 केजी का अलग मेजरमेंट होगी और अमेरिका में अलग या इंग्लैंड में अलग, सब में एक बराबर होगी। ठीक है, तो देखो, ये 2 डेफिनेशन आपको बताई हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और व्हाट इज यूनिट, यूनिट वो टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम फिजिकल क्वांटिटीज को मापते हैं या मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं। एक है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और दूसरी है डिपेंडेंट क्वांटिटीज। डिपेंडेंट क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती हैं। ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको मतलब निकालने के लिए हमें किसी दूसरे क्वांटिटीज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, यानी वो डिपेंडेंट रहती है। अभी मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये मास है और ये लेंथ है। लेंथ से हम लंबाई नापते हैं और मास से वेट, टाइम से टाइम मेजर करते हैं, है ना? तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड नहीं है। ठीक है, ना तो मास लेंथ पे डिपेंडेड है, ना ही लेंथ मास पे डिपेंडेड है, तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज।
अब बात करते हैं स्पीड की, जो कि है ड्राइव क्वांटिटीज और डिपेंडेंट क्वांटिटीज। अब देखो स्पीड कैसे नापते हैं हम, डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, ठीक है। यानी डिस्टेंस किस पे डिपेंडेड है, स्पीड डिपेंडेड है डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम टाइम पे डिपेंडेड है, और डिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेड है। तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटीज। फिर देखो डेंसिटी होगी मास ओवर वॉल्यूम, मास किस पे डिपेंडेड होगा, इस पे, ठीक है। तो इसी हिसाब से और वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंडेड होगी। तो यानी ये क्वांटिटीज क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेड है। किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेवन जो बेस क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो याद करनी पड़ेगी। ज़्यादातर ये जो ऊपर वाली है लेंथ मास और टाइम, या फिर हम इसको लिखते हैं मास लेंथ और टाइम, ये ही ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाती है। तो ये क्वांटिटीज़ के आपको सिंपली सिंबल्स याद करने हैं, और आप इजीली किसी भी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। बट बेसिकली आपको ज़्यादातर यही देखना पड़ेगा, मास लेंथ और टाइम, यही आता है ज़्यादातर, ठीक है, समझ में आ गया। और एक बात और बता दूँ कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब जैसे सेवन है, तो इनका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, बट ये फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी इसको मेज़र करने के जो ये यूनिट है, ये काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के मुकाबले इनको जो मेज़र करने के जो यूनिट हैं वो कम है, ये याद रखना आप लोगों ने। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का फार्मूला निकालना है। दो ट्रिक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट ट्रिक की बात करूँगा। ये पॉइंट आपने लिख लेने हैं, ठीक है, ये पांच पॉइंट हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है। सेकेंडली उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ब्रेक करना है। ब्रेक बोलने का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया अभी पिछली स्लाइड में कि एक होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और एक होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड में क्या करना पड़ता है हमें, और ज़्यादा उनको ब्रेक करना पड़ता है जब तक वो बेस क्वांटिटीज़ में ना आ जाए। मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा तब आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी। फिर ऐसा यूनिट लिखना है उसका, फिर डायमेंशन फार्मूला, और लास्ट में हम उसको अरेंज कर देंगे। अब देखो ये पांच स्टेप है, ये याद करने हैं आप लोगों ने, फार्मूला, ब्रेक इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसा यूनिट, डायमेंशन फार्मूला, अरेंज। इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज हमें स्पीड का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो स्पीड के लिए सबसे पहले इसका जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडिंग बाई टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, लेंथ में, और टाइम तो टाइम में ही आएगा। तो ब्रेक्स इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, लेंथ, टाइम का टाइम रह जाएगा, और एसआई यूनिट लेंथ का क्या होगा, एल, और टाइम का टी, क्लियर है, एल ओवर टी। डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे एल टी ओवर माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो एम, एल और टी तीनों फॉर्म में लिखना होता है हमें, तो इसलिए यहाँ पे एम क्या है जीरो, एल वन है, और टी आ गया माइनस वन। ये देखो कितना इजी है ये फार्मूला निकालना। सो स्पीड का फार्मूला होता है एम जीरो, एल वन, टी माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम ट्रिक वन से ही, फिर से हम ये फाइव स्टेप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे एरिया का। सो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। फिर ब्रेक्स इन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो लेंथ को हम लेंथ में मेजर करते हैं, और जो ब्रेड्थ है उसको भी हम लेंथ में ही मेजर करेंगे, इसलिए तो ये क्या आ जाएगा, एल इंटू एल, और दोनों की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, एल इंटू एल, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे टी जीरो है और एम भी जीरो है, ठीक है, और एल है स्क्वायर, तो हमारा डायमेंशन फार्मूला एरिया के लिए आ जाएगा एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, ठीक है, या एल टू, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, थोड़ा लेंथी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि डायमेंशन फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का कैसे निकालना है। अब देखो जैसे फोर्स है, फोर्स का फार्मूला होता है आपको मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। अब देखो ये जो पॉइंट है, पिछले वाले एग्जांपल में तो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, है ना, अभी देखना कैसे आएगा, आगे से आगे कैसे ये बढ़ता जाएगा।
अब देखो मास को तो हम मास तो बेसिक क्वांटिटी है ना, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है किस पे, वेलोसिटी पे, ठीक है। सो हम लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी ओवर टाइम, इतना क्लियर है, तभी तो मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रेक इन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, बट एक्सेलरेशन को किस में ब्रेक करेंगे हम, वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी को फिर से हम डिवाइड करते हैं क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होती है। सो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आ जाएगा, ठीक है। सो इन सब की हम SI यूनिट लिखे, तो मास की एम, डिस्प्लेसमेंट की एल, और टी स्क्वेयर आ जाएगा डिवाइडिंग बाई, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा मास इंटू लेंथ डिवाइडिंग बाई टाइम स्क्वेयर, और इसका डायमेंशन फार्मूला हम सीखते हैं एम एल टी स्क्वेयर ना डिवाइड करके, तो ये टी ऊपर चला जाएगा, अरेंज करके हम इसको लिखेंगे एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक है। अभी हम ट्रिक नंबर टू देखते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो ट्रिक नंबर दो है उसके दो टाइप हैं, और फर्स्ट वाला तो हम लगभग देख भी चुके हैं, शॉर्टकट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, बट जो इसी ट्रिक में जो सेकंड पॉइंट है वो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। उसके जरिए आप इजीली डायमेंशन फार्मूला एक लाइन में इजीली लिख लोगे, ठीक है। सो इसके हम टाइप्स की बात करते हैं, मेथड टू। सबसे पहला आता है हमारे पास यूजिंग फार्मूला जो हमने अभी यूज़ किया, और सेकंडली यूजिंग यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी उस फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं डेंसिटी का, और डेंसिटी का अगर हम फार्मूला लिखे तो हम फार्मूला होता है मास डिवाइडिंग बाई वॉल्यूम, ठीक है। सो मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी, मास का मास ही रहेगा, और वॉल्यूम को हम लेंथ में मेजर करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा मास डिवाइडिंग बाय लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। सो मास के लिए हम क्या लिखेंगे, एम, और लेंथ के लिए एल क्यूब आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास एम एल क्यूब माइनस थ्री, राइट, एम एल माइनस थ्री आ जाएगा, और इसको जब हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम वन एल माइनस थ्री, और टी है हमारे पास जीरो, क्योंकि टी की कोई वैल्यू नहीं है। अब इसकी यूनिट को यूज करके अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो देखो डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती किलोग्राम मीटर क्यूब, है ना, ठीक है। इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब होगा, किलोग्राम मीटर यानी एम माइनस थ्री होगा, और यहाँ से सिंपली केजी को हम एम में मेजर करेंगे और मीटर क्यूब को एल में मेजर करेंगे। सो देखो एक ही लाइन में आ गया हमारा फार्मूला, मतलब ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यूनिट के साथ हम बड़ी इजीली इसका फार्मूला बना सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला। यहाँ पे देखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये सिंपली फार्मूला पुट किया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट जैसे एरिया का एग्जाम्पल लेते हैं हम, अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला था आपने, बिल्कुल शॉर्ट में हम करेंगे इसको, लिखेंगे हम लेंथ इंटू लेंथ, या जगह एल इंटू एल यानी एल स्क्वेयर एम जीरो व टी जीरो, ठीक है। अब यूनिट से करें इसका तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकंड, इस तरह से लेते हैं, केजी क्या आ जाएगा, जीरो मीटर स्क्वेयर, ठीक है, और यानी टाइम भी क्या है, जीरो, सेकंड भी जीरो है, तो यहाँ पे एल स्क्वेयर आ जाएगा, और जब अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम जीरो एल टू टी जीरो, ठीक। ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये थोड़ा लेंथी एग्जाम्पल है। वर्क डन, वर्क डन आपको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको आगे हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये लेंथ में ही आएगा ये, बट फोर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। सो यह जगह हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, मास फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई, डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई, अब हम एक्सेलरेशन को फिर से ब्रेक करेंगे। सो मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी डिवाइडिंग बाई टाइम इंटू डिस्टेंस, अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, बट एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, इतना तो आपको आ ही जाना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, एल टी माइनस वन, सॉरी एल टी माइनस टू आएगा, एल टी माइनस टू, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एम का आएगा, एम आ गया, और वेलोसिटी आ गया एल टी माइनस वन, और डिवाइडिंग बाई टी इन टू एल, और ये ऊपर चला जाएगा टी, तो ये आ जाएगा एम, और एल बन जाएगा स्क्वेयर, ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू आ गया, और जब रीअरेंज करके लिखेंगे तो यह आ जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू। अब देखो ये इतना लेंथी हो रहा था ना, जब हम यूनिट से इसको निकालेंगे तो काफ़ी इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम वर्क डन को हम जूल में कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं जूल में, और उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन
पर मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। और यहां पे न्यूटन को हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एम, क्योंकि ये एम वैसे का वैसे रहेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। और न्यूटन को हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे आ जाएगा हमारे पास केजी वैसे का, एम स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे एस माइनस टू केजी का एम, यहां पे मीटर यानी एल टू, और टी माइनस टू आ जाएगा। तो देखो सिंपली एम एल टी माइनस टू इंटू एल, इसको ये वाली लाइन लिख दी अलग करके, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, और जब अरेंज करके लिखेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास एम वन एल टू और टी माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा लास्ट एग्जांपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये पांच स्टेप यूज कर रहे हैं, फार्मूला ब्रेक इन फंडामेंटल क्वांटिटी, एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, एंड देन लास्ट में इसको हमें अरेंज करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इससे किसी भी टाइप का हेल्प हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।